इवनिंग एवरीवन, ये क्लास 5 की कंप्यूटर की क्लासेस है। दो दिन आप लोगों का क्लास हो चुका है और आज ये है आप लोगों का तीसरा दिन, जिसमें जो बच्चे रेगुलरली क्लासेस करते हैं उन्हें पता होगा कहाँ तक पढ़े और कहाँ आगे पढ़ना था। तो सबसे इम्पोर्टेंट काम और सबसे आपका पहला काम है अटेंडेंस, जो कि आप लोगों को बना लेना है अच्छे से। आप लोग अपना अपना नाम कमेंट सेक्शन में जा कर के आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो चैप्टर फर्स्ट में आप लोगों ने पढ़ा था पेज नंबर 8 तक, और 8 में कुछ रह गया था टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आज हम लोग जो है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में फर्स्ट है आपका सिंगल यूजर, सेकेंड है मल्टी यूजर और थर्ड है मल्टी टास्किंग। तो फर्स्ट हम लोग जानते हैं सिंगल यूजर। तो सिंगल और यूजर के नाम से ही आप लोग समझ चुके होंगे। तो आइए इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं और समझते हैं क्या होता है सिंगल यूजर। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज यूजर ओनली वन यूजर टू यूज कंप्यूटर सिस्टम एट एनी गिवन टाइम। यानी सिंगल यूजर में एक समय में एक ही व्यक्ति एक सिस्टम पे कार्य कर सकता है। दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज यूज्ड इन होम एंड ऑफिसेज। ये जो है एक बहुत ही कॉमन टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका उपयोग हम लोग या तो घर में या ऑफिसेज में करते हैं। तो ये है आपका सिंगल यूजर। नेक्स्ट है मल्टी यूजर। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज मल्टीपल यूजर्स ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर टू एक्सेस अ सिस्टम एट द सेम टाइम। एक ही समय में हम लोग अगर मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं तो एक ही समय में हम लोग बहुत सारे सिस्टम पे काम करते हैं। दीज कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू द मेन कंप्यूटर थ्रू अ नेटवर्क। ये कंप्यूटर्स जो है मेन कंप्यूटर से कनेक्ट होता है नेटवर्क के द्वारा, और एक ही बार में बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्ट होके एक ही टाइम में काम करते हैं। द मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कैन हैंडल द वेरियस नीडेड एंड रिक्वेस्ट ऑफ ऑल द यूजर सिमुलेशनरी। लिनक्स एंड यूनिक्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ अ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज ऑफ द मेन कंप्यूटर आर शेयर्ड एमोंग द यूजर्स। ये जो आप मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं ये अलग अलग प्रकार के रिक्वेस्टेड और जो ज़रूरतें होती है उसको जो है इसमें किया जाता है। तो एक ही बार में सारे कंप्यूटर जितने भी कंप्यूटर सिस्टम होते हैं उसको कनेक्ट करके नेटवर्क के द्वारा और इस पर काम किए जाते हैं, जिसमें से आप देख रहे हैं लिनक्स है, यूनिक्स है, ये एग्जाम्पल है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के। फॉर एग्जाम्पल इन अ कंप्यूटर लैब अ सिंगल प्रिंटर इज अटैच विथ द ऑल द कंप्यूटर डिवाइसेज। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया गया है जैसे कि कंप्यूटर लैब में एक सिंगल प्रिंटर होता है जो कि अटैच होता है, जितने भी डिवाइसेज होते हैं कंप्यूटर होते हैं उसे अटैच होता है, और एक ही प्रिंटर होता है और उसे जितने भी डिवाइस लगे होते हैं कंप्यूटर के बारी बारी से सबका प्रिंटर जो है प्रिंट कर देता है जो भी कार्य होते हैं उसके अंदर, और जिस चीज़ का प्रिंट आउट जिसको लेना होता है वो एक ही बार में हो जाता है। उसके बाद है मल्टी टास्किंग। मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज अ यूजर टू रन मोर देन वन एप्लीकेशन प्रोग्राम एट द सेम टाइम। तो मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसके द्वारा यूजर जो है एक एप्लीकेशन यानी बहुत सारे एप्लीकेशन को क्या कर सकता है, प्रोग्राम को चला सकता है सेम टाइम में, एक ही समय में। इन मल्टी टास्किंग द ऑपरेटिंग सिस्टम कीप ट्रैक ऑफ द प्रोग्राम यू आर इन एंड अलाउ टू यू स्विच फ्रॉम वन प्रोग्राम टू अनदर विदाउट लूजिंग इन्फॉर्मेशन। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यहाँ पे मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कहाँ से पढ़ रहे थे हम लोग, हाँ
इसका जो है स्विच फ्रॉम वन प्रोग्राम टू अनदर विदाउट लूजिंग इन्फॉर्मेशन, तो एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जो है इसका मतलब इन्फॉर्मेशन को लूज किए बिना ये जो है अच्छी तरीके से कार्य करता है। जैसे कि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं, जितने भी सिस्टम लगे होते हैं उनके अपने अपने एक अपना अपना क्या होता है इन्फॉर्मेशन होता है, तो उस इन्फॉर्मेशन को लूज किए बिना ये बहुत अच्छी तरीके से कार्य करता है। तो इसमें क्या होता है, यू कैन एंजॉय लिसन टू म्यूज़िक वाइल राइटिंग अ लेटर टू योर फ्रेंड। जैसे यहाँ पे एक ही समय में बहुत सारे कार्य हम लोग करते हैं और इन्फॉर्मेशन को लूज होने नहीं देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप किसी को लेटर लिख रहे हैं और वहीं पे अगर आपके पास म्यूज़िक है तो आप सिस्टम में म्यूज़िक भी प्ले कर सकते हैं, और बहुत सारे काम है, पेंटिंग है, ड्राइंग है, ये भी आप एक उसका सॉफ्टवेयर ओपन करके आप लोग बना सकते हैं, राइटिंग लेटर को भी राइट कर सकते हैं, साथ में गाना भी सुन सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं होता है कि दो कार्य करते वक्त हमारा जो है सिस्टम फंसता हो, इन्फॉर्मेशन को लूज़ करता हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो अच्छे से इन सभी काम को संभाल लेता है और अच्छे से जितने भी हमारे काम होते हैं हम करते हैं उसमें वो आसानी से हो जाता है। विंडोज़ इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका जो है विंडोज़ जो है एक एग्ज़ाम्पल है मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। समझ में आ गया? तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें सिंगल यूज़र, मल्टी यूज़र, मल्टी टास्किंग आप लोग देख लिए। सिंगल यूज़र में एक ही समय में एक व्यक्ति एक ही सिस्टम पे एक बार में काम कर सकता है। मल्टी यूज़र में आप लोगों ने ये देखा कि एक जो है मेन कंप्यूटर होता है, सिस्टम होता है, जिससे नेटवर्क के द्वारा बहुत सारे कंप्यूटर्स यानी सिस्टम्स जो है वो कनेक्ट होते हैं और बहुत सारे काम एक बार में होते रहते हैं। उसके बाद मल्टी टास्किंग में आप लोगों ने देखा कि एक बार में ही हम लोग बहुत सारे एप्लीकेशन को ओपन करके काम करते हैं और वो इन्फॉर्मेशन को लूज़ किए बिना जो है सारे काम को आसान बना देता है। ये थे एक एक लाइन में समझने के लिए। नेक्स्ट है आपका टॉपिक यूटिलिटी प्रोग्राम्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? यूटिलिटी प्रोग्राम्स। तो आइए अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क यूजुअली रिलेटेड टू मैनेजिंग अ कंप्यूटर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होता है वो स्पेसिफिक टास्क को जो है क्या करता है, जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड होते हैं ऑप्शंस उसको मैनेज करता है। इट इज़ इट्स डिवाइस ऑफ इट्स प्रोग्राम्स। जो उसके अंदर डिवाइसेस लगे होते हैं और जो भी कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्राम्स होते हैं उसको क्या करता है, वो मैनेज करता है। दिस प्रोग्राम असिस्ट इन द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम एंड हेल्प इन इट इन टू परफॉर्म बेटर। तो ये प्रोग्राम्स जो है वो काफ़ी स्मूथली उसके जो जितने भी फंक्शंस होते हैं उसको स्मूथली हैंडल करता है, और तब जाके जो भी सिस्टम उसके अंदर लगे होते हैं और जो जैसे कि माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, उसके अंदर मेमोरी कार्ड लगता है, तो ये इस प्रकार के जो भी चीज़ें उसके अंदर अटैच होते हैं काफ़ी बेटर ढंग से काम करते हैं, उनका परफॉर्मेंस जो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। सम यूटिलिटीज हेल्प यू टू अवॉइड वायरस अट्रैक, टेक बैकअप ऑफ योर डेटा, रिकवर डेटा और दैट हैज़ बीन एक्सीडेंटली इरेज्ड ETC। देखिए कभी कभी क्या होता है, यूटिलिटी जो है आपको हेल्प करता है किसी भी वायरस को, अगर वायरस अटैक हुआ आपके सिस्टम को, उसको अवॉइड करने में और डेटा को बैकअप करने में और डेटा को फिर रिकवर करने में, और कभी कभी जो अचानक से एक्सीडेंटली रूप में कभी कोई चीज़ इरेज हो जाता है तो इन सब को जो है रिकवर करने में वो काफ़ी हेल्प करता है आपका यूटिलिटी। एंटीवायरस बैकअप डिस्क रिपेयर फाइल मैनेजमेंट कंप्रेशन एंड नेटवर्क प्रोग्राम्स आर सम एग्जांपल्स ऑफ यूटिलिटी प्रोग्राम। यूटिलिटी के कुछ प्रोग्राम्स के नेम जो है वो एग्जाम्पल है, क्या है, एंटीवायरस है, बैकअप है, डिस्क रिपेयर है, फाइल मैनेजमेंट है, कंप्रेशन है एंड नेटवर्क प्रोग्राम्स, ये जो है कुछ एग्जाम्पल्स है यूटिलिटी प्रोग्राम्स के। यहाँ तक क्लियर है? यू कैन बाय वायरस यूटिलिटी प्रोग्राम्स फ्रॉम द कंप्यूटर स्टोर्स। फ्रॉम यूटिलिटी प्रोग्राम्स आर ऑल्सो अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन द इंटरनेट। देखिए ये जो है यूटिलिटी प्रोग्राम्स के अंदर जो है बहुत सारे ये जो आप नाम सुने हैं एंटीवायरस वगैरह,
इन सब चीज की हमें आवश्यकता होती है कंप्यूटर के अंदर, क्योंकि कंप्यूटर काम करते करते जब उसमें वायरस अटैक करता है तो वो काम करना, ये जो है उसका काम करने का गति जो है, स्पीड जो है, वो स्लो हो जाता है, वो धीरे धीरे काम करना बंद भी कर देता है। तो किसी चीज़ को जो है कोई ना कोई चीज़ की आवश्यकता होती है जिससे उसे जो है वो रिपेयर हो सके और फिर से अच्छे से काम कर सके। तो ये सारे फंक्शंस जो है मोबाइल के अंदर भी होते हैं। उसको हम लोग बहुत सारे ऐप का इस्तेमाल करते हैं, उसको क्या करते हैं दोबारा हम लोग रीइंस्टॉल करते हैं, कभी कभी अपडेट करते हैं ना, तो उसी प्रकार से वायरस जो होता है, एंटीवायरस बैकअप होता है, डिस्क रिपेयर होता है। तो जो मशीन है तो मशीन को रिपेयर होना जो है वो ज़रूरी होता है एक समय के अंतराल के बाद। कुछ समय के लिए वो अच्छा चलेगा, फिर उसे जो है रिपेयर होना पड़ता है। तो इसके लिए जो है ये सॉफ्टवेयर आता है, कुछ एंटीवायरस जो है, बैकअप डिस्क है, सॉरी बैकअप है, डिस्क रिपेयर है। तो इस प्रकार से जो ये सब चीज़ें आती है, तो उसके अंदर अगर ये सब चीज़ हम डालें तो उससे क्या होता है, सिस्टम जो है हमारा फिर से अच्छे ढंग से काम करता है। इसीलिए हम लोग उसको जो है ये सब चीज़ें की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आप इसको या तो ख़रीद सकते हैं, एंटीवायरस डिस्क वगैरह जो होता है इसे आप लोग ख़रीद सकते हैं, या फिर आपको इंटरनेट पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलता है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब है नेटवर्क यूटिलिटी। नेटवर्क यूटिलिटी चेक्स द नेटवर्क कनेक्टिविटी एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस। इट आल्सो एग्जामिन द नेटवर्क स्पीड एंड परफॉर्मेंस, मॉनिटर्स नेटवर्क ट्रैफिक फ्रॉम द कंसोल एंड ट्रैक द बैंडविड्थ यूजेस। तो नेटवर्क यूटिलिटी के अंदर क्या होता है कि ये नेटवर्क के कनेक्टिविटी को चेक करता है, कनेक्शन सही है या गलत है, उसी ढंग से आपका सिस्टम जो है वो काम करता है। तो ये बेसिकली डिपेंड है नेटवर्क पे कि नेटवर्क को सही ढंग से जो चलता है नहीं चलता है उसका देखरेख जो है नेटवर्क यूटिलिटी के द्वारा किया जाता है, यानी इसी पे डिपेंड होता है। उसके बाद है फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर यूटिलिटी हेल्प्स द यूज़र टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस ऑफ फाइल्स सच एज व्यूइंग, एडिटिंग, कॉपिंग एंड डिलीटिंग। इट आल्सो हेल्प इन मैनेजिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स एंड ऑर्गेनाइजिंग देम इन अ कंप्यूटर्स स्टोरेज डिवाइस। देखिए फाइल मैनेजर का काम क्या होता है कि ये जो है आपको हेल्प करता है किसी भी ऑपरेशंस को करने में, यानी फाइल के ऑपरेशंस जो होते हैं उसके अंदर, किसी भी फाइल के अंदर जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, चाहे ऑडियो, वीडियो, इमेज या आपका इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, उसको देखने में, एडिट करने में, कॉपी करने में या डिलीट करने में, तो उसको जो ये सारे ऑप्शंस को अप्लाई करने में आपका कौन मदद करता है, फाइल मैनेजर। यानी उसी के अंदर बहुत सारे फाइल्स होते हैं और उसमें हम लोग एडिटिंग वगैरह करते हैं, तो उसके अंदर ये सारे ऑप्शंस होते हैं देखने के लिए, एडिट करने के लिए यानी काट छांट करने के लिए, कॉपी करने के लिए या फिर डिलीट करने के लिए। और उसके बाद है डिस्क मैनेजमेंट। डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी इनेबल्स द यूजर टू व्यू एंड मैनेज द डिस्क ड्राइव्स इंस्टॉलेड इन अ कंप्यूटर। इट कैन बी यूज्ड टू पार्टीशन ड्राइव्स, फॉर्मेट ड्राइव्स, असाइन ड्राइव्स, लेटर्स एंड मच मोर। डिस्क मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, ये डिस्क आप लोग सुने होंगे डिस्क नाम, तो इसको ये मैनेज करता है किस प्रकार से, उसमें बहुत सारे जो है इसका उपयोग आप देखते हैं, पार्टीशन ड्राइव्स में फॉर्मेट ड्राइव करने के लिए, असाइन ड्राइव लेटर करने के लिए, और इसके और भी जो भी फंक्शंस होते हैं उसको करने में ये काफ़ी हेल्प करता है। तो ये सारे ऑप्शंस, अगर ये सारे जो है वो यूटिलिटी ही है, यूटिलिटी के फंक्शंस है, यूटिलिटी के प्रोग्राम्स है, जिसके द्वारा जो है ये सभी हमारे काम को आसान बनाता है। तो चलिए हम लोग आज तक, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और नेक्स्ट डे आप लोग इसमें पढ़ेंगे स्कैनिंग, तो काफ़ी आप लोगों को समझ में आएगा, रीडिंग अगर अच्छे से करेंगे तो। स्कैनिंग बैकअप यानी पेज नंबर 9, 10 और 11 ये अच्छे से आप लोग रीड कर लें तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि 9 इसीलिए दिया जा रहा है क्योंकि इसमें एक ही टॉपिक बचा है स्कैनिंग, तो इसको हम लोग कवर करेंगे और फिर पढ़ेंगे पेज नंबर 10 और 11। नेक्स्ट डे हमारा रहेगा ये क्लास पेज नंबर, आप लोग जो 9 से 11 तक देखे वो। तो ये आपका होमवर्क रहा कि 9 to 11 आप लोग अच्छे से रीड कर ले,
तो आज के लिए इतना ही, और अटेंडेंस आप लोग अपने अपना अच्छे से बना लीजिए।